गुड इवनिंग। आज मैं एक नया ओएस दिखाने वाली हूँ, रेवी ओएस। विंडोज 11 पे बेस्ड है ये, बहुत अच्छा है। तो ब्राउज़र ओपन करिए, ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पर REVI रेवी ओएस विंडोज 11 टाइप करिए, डाउनलोड है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए रिविजन REVI OS है, HTTPS का है। नीचे देखिए विंडोज 11 रेवी ओएस 2023 का है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर जस्ट ये पिक्चर इमेज देख सकते हैं, और स्क्रॉल करने के बाद राइट साइड देखिए डायरेक्ट डाउनलोड है, उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर ISO फाइल डाउनलोड हो रही, और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ISO इमेज आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट रूफ़ुस को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि हमारा जो भी बूटेबल पेन ड्राइव्स रहेगा उसको रूफ़ुस चाहिए। तो मैं रूफ़ुस टाइप करी और मैं यहाँ पर क्लिक करी, नीचे स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रूफ़ुस 4.3 स्टैंडर्ड है, पोर्टेबल है। और यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं आप लोग। तो मैं तो फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड विंडो 64 को जाऊँगी। यहाँ पर रूफ़ुस डाउनलोड हो गई, रूफ़ुस आइकॉन है और ISO इमेज आइकॉन है। अब मैं रूफ़ुस को ओपन करूँगी। डू वॉन्ट टू अलाउ रूफ़ुस टू चेक अप्लीकेशन? नो। तो रूफ़ुस को ओपन करूँगी और यहाँ पर 16 GB जो है वो मेरा पेन ड्राइव है। और अगर आप लोग चाहिए तो सेलेक्ट पे क्लिक करके ISO इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप और ISO इमेज जो है वो सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। वरना आप लोग डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते, जो ISO इमेज आप लोग देख रहे ISO फाइल वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते इस पर। और नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट कर लीजिए, और जो जब रूफ़ुस कंप्लीट हो जाएगी रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आपको सेटअप स्टार्टिंग आ जाएगी, और यहाँ पर अग्रीमेंट को आप लोग अग्री करना होगा। और पार्टीशंस जो है वो मेरा 4 पार्टीशंस है, तो मैं 3 पार्टीशंस में डिलीट करने वाली हूँ। हंड्रेड MB का पार्टीशन से मैं वो डिलीट कर चुकी। तो अभी कंप्लीट हो गया मेरा पार्टीशन डिलीट, कॉपिंग विंडोज़ फाइल 0% कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग सर्विस थोड़ा टाइम लगेगी यहाँ पर इंस्टॉलेशन को। तो यहाँ पर कंट्री और रीजन आ गया, मैं अभी इंडिया को सेलेक्ट करने वाली हूँ। मैं मेरा कंट्री का मैं सेलेक्ट कर, अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग आपका कंट्री को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इंडिया सेलेक्ट कर चुकी, और अभी कीबोर्ड लेआउट को सेलेक्ट करना होगा। कीबोर्ड लेआउट में इंग्लिश इंडिया, यस। सेकंड कीबोर्ड नहीं चाहिए, स्किप कर चुकी मैं। चेकिंग फॉर अपडेट्स, तो ये यहाँ पर अपडेट्स के पास आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगी। सिट बैक एंड रिलैक्स व्हाइल द मैजिक हैपेंस। थोड़ा टाइम लगेगी, चेकिंग फॉर अपडेट्स, जस्ट ए मोमेंट। ओके, प्रिपेयरिंग विंडोज। तो जो ये रेव ओएस है विंडोज 11 का, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बार आप लोग ट्राई कर चुके तो ओके, अगर नहीं ट्राई करें तो एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए फीचर्स क्या है और कैसा है। तो मैं तो कर चुकी, अभी मैं देखूंगी, टास्क मैनेजर ओपन करी, परफॉर्मेंस वो पूरा चेक कर लूँगी मैं।
तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखेंगे, मैं हमेशा OS डाउनलोड करती और थोड़ा ट्राई करती। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।